हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मलिक। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप एक जो एल्बम का डिजाइन होता है, मैं एक पेज आपके बना के दिखाऊंगा। इस पेज को जो वेडिंग एल्बम का जो होता है एक सीट, तो मैं 12:36 का बनाऊंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल कंट्रोल एन, इसके बाद आपका गया इंच, ये वाला भी इंच, विड्थ हो गया आपका 36, और आपका हाइट हो गया 12, और रिजोल्यूशन आपका 300, मोड आपका RGB, और ये बैकग्राउंड हम अभी वाइट रख रहे हैं, और इसका हम रीनेम कर रहे हैं, रीनेम करेंगे एल्बम पेज 1। ये हो गया हमारा एक सीट, अभी रेडी हो गया है। अभी इसका हम क्या करेंगे, पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे कंट्रोल, पहले हमने कंट्रोल ए किए, और ये जो आपका गाइडलाइन है इसको ड्रैग करते हुए अगर लाएंगे तो ये मिडिल में अटक जाएगा। ये हमारा हो गया मिडिल। या आप इसको अगर हम इंच कर देंगे, इसको अगर इंच हो गया है, और 18:36 मतलब इसका हाफ 18, ये हो गया 18 इंच। तो हम क्या करेंगे, पहले एक मॉडल बना लेंगे, इसके बाद हम जो फोटो वगैरह लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइड में, ये साइड में पहले हम एक कर्व डिजाइन बनाएंगे, इसके बाद हम हेक्सागन बनाएंगे, और इसके बाद यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हुआ हमारा डिजाइन का। अब जब डिजाइन पहले बनाएंगे तो इसके बाद पहले इसको आपको एक आइडिया लेना है। मैं जो आइडिया लिया हूँ इसे आपको बता रहा हूँ कैसे मैं करूँगा। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ, देखिए हम अभी क्या करेंगे, एक ले लेंगे रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल बॉक्स, और यहाँ करेंगे न्यू लेयर। इसके बाद हम करेंगे अल्टर बैक स्पेस। देखिए अगर हम न्यू लेयर नहीं करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड में ये कलर आ जाएगा, तो हमको दिक्कत होगा, तो हम इसलिए न्यू लेयर कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे, रब करेंगे शिफ्ट की, सॉरी हम इसको जाएंगे, देखिए यहाँ आके अगर देखिए यहाँ हम राइट क्लिक करना है। ये जो रेक्टेंगल लिखा हुआ है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएगा, एलिप्टिकल, रेक्टेंगल, और सिंगल रो, और सिंगल रो कॉलम, और सिंगल रो आ गया। हम जाएंगे एलिप्टिकल में, जाने के बाद हम शिफ्ट की पकड़ते हुए इसको ड्रैग करेंगे, जो देखिए यहाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है। ड्रैग करने के बाद हम इसको डिलीट करेंगे, देखिए हमारा ये जो पार्ट है डिलीट हो गया है। इसके बाद करेंगे कंट्रोल डी। इसके बाद हम क्या करेंगे, और एक लेंगे, देखिए और एक रेक्टेंगल। इसके बाद हम करेंगे यहाँ न्यू लेयर बाद हम करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए था। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ एलिप्टिकल, जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे और इसको कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट अगर करेंगे ये अंदर चला जाएगा। जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम तरह यहाँ इसको डिलीट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया सेकंड, और एक करेंगे इसका हम थर्ड करेंगे, ये देखिए थोड़ा और एक लेंगे हम, और एक लेंगे रेक्टेंगल, इसको यहाँ कर देंगे ट्रैक करेंगे न्यू लेयर्स और कंट्रोल सॉरी ऑल्टर बैकस्पेस डिलीट। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसको यहाँ ले आएंगे। लाने के बाद हम जाएंगे नीचे जाएंगे, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे और लेफ्ट ब्रैकेट करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे, जाएंगे एलिप्टिकल में, करने के बाद इसको हम ड्रैग करेंगे। डिलीट सिलेक्शन हो गया और डिलीट हो गया। देखिए हमारा ये जो तीन पार्ट हो गया है, ये हुआ एक, ये हुआ दो और ये हुआ तीन, ये हुआ तीन लेयर ये वाला। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक हेक्सागन लाएंगे। देखिए हम जाएंगे यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ है, अगर हम इसको माउस इसके ऊपर ले आएंगे, यहाँ देखिए यहाँ टाइप टूल और ये आपका सेप, कस्टम सेप, अगर इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ सेप दिखाई देगा, सेप में जाएंगे, सेप में जाने के बाद देखिए यहाँ हेक्सागन, अगर आपका ऊपर नहीं आएगा तो यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो हेक्सागन यहाँ दिख जाएगा, नहीं सॉरी ऑक्टागन है, हेक्सागन थोड़ा नीचे होगा ये वाला आपका। देखिए अगर ये नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ देखिए ये जो डबल एरो यहाँ लगा हुआ है, इसको अगर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ ऑल है, ऑल के ऊपर अगर क्लिक कर देंगे तो आपका ये सारा आ जाएगा। तो आप जाएंगे हेक्सागन में, हेक्सागन में जाने के बाद यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपका शिफ्ट की पकड़ते हुए ये आपका एक सिलेक्शन कर लेंगे, करने के बाद कंट्रोल एंटर और इसके बाद आपका न्यू लेयर, न्यू लेयर करने के बाद यहाँ हम थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि हमका अच्छा रहेगा, और न्यू लेयर करने के बाद अल्टर बैकस्पेस, अल्टर बैकस्पेस करेंगे और ये वाला हम यहाँ इसको ले आएंगे ऊपर, इसके बाद और एक यहाँ और इसके बाद और एक। देखिए ये जो गैप है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये गैप थोड़ा आप सेम टू सेम कर दीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, आप सेम टू सेम कर दीजिएगा। इसके बाद ये हो गया हमारा तीन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव नहीं किया, सेव करना चाहिए, सेव कर देंगे सेव। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल यहाँ लेंगे, रेक्टेंगल हम पहले ये वाला रेक्टेंगल जो मार्क्यू टूल है यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला करने के बाद इसको हम एक रेक्टेंगल यहाँ ले लेंगे और जाएंगे लेयर और इसको करेंगे एक्सप्रेस। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक और इसको ये वाला, इसको देखिए ये वाला तीन हमारा आ गया रेक्टेंगल। इसको हम स्ट्रोक दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा, स्ट्रोक कर देंगे, स्ट्रोक कर देंगे हम व्हाइट, देखिए थोड़ा मोटा करेंगे स्ट्रोक, मोटा करने से देखिए हमारा थोड़ा जूम करेंगे तो ये पता चल जाएगा। देखिए इसको हम, देखिए ये हमारा आ गया तीन रेक्टेंगल आ गया है। और एक यहाँ ये जो आपका, इसको हम क्या करेंगे, अल्टर प्रेस पकड़ते हुए ड्रा करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे कितना ना 30 डिग्री, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारा एक दूसरा रोटेट हो जाएगा। और यहाँ हम इसको यहाँ दे देंगे और इसको जानने के लिए हम यहाँ स्ट्रोक दे देंगे, स्ट्रोक थोड़ा मोटा कर देंगे 11। आ गया
और इसका हम एक सेंटर ले लेंगे, कंट्रोल ले करेंगे, और इसका गाइडलाइन एक ड्रैग करने के बाद हमारे सेंटर में आ गया है, और इसका कर देंगे सेंटर्स। देखिए ये हमारा रेडी हो गया है, आपका फ्रेम रेडी हो गया है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फोटो यहाँ लगाएंगे, और फोटो लगाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा हम सिलेक्ट कर देंगे। देखिए इसको सिलेक्ट करने के लिए आप करेंगे यहाँ, ये हो गया आपका, अगर माउस क्लिक करेंगे और यहाँ शिफ्ट की प्रेस करते हुए अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा ना, ये सिलेक्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। देखिए अभी हमारा क्या हुआ है, अभी हमारा डिजाइन अभी रेडी हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फोटो लगाएंगे। फोटो लगाना कितना ईजी है, देखिए इसको हम करेंगे मिनिमाइज। इसके बाद हम लाएंगे फोटो जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, हमारा वेडिंग फोटो, देखिए वेडिंग पिक्स हमने, और ये सारे के सारा फोटो हम ले जाएंगे। कंट्रोल ए और ओपन कर लेंगे तो सारे का सारा फोटो आ जाएगा। देखिए हमारा ये फोटो आ गया है, हम क्या करें इसको अभी मिनिमाइज कर रहे हैं। देखिए कितना, हमने क्या करेंगे इसको भी अभी मिनिमाइज कर रहे हैं, और इसका हम साइड कर रहे हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है व्हाइट वाला जो पर्सन है, इसको हम फिल करेंगे। फिल करने के लिए ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, आप जो भी चाहें आपका पिक दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ ड्रैग कर दूंगा, ड्रैग करने के बाद इसको मिनिमाइज, और हम क्या करेंगे इसको बड़ा करेंगे। देखिए ये हमारा बड़ा हो गया है, बड़ा होने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इसको बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे थोड़ा, हम इसको जी इसको बड़ा कर देंगे। करने के बाद इसको बैक करेंगे। देखिए पूरा बैक करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट अगर क्लिक कर देंगे पूरा आ जाएगा, बैक चला जाएगा, और आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो पूरा ऊपर आ जाएगा। हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, ये अंदर चला गया है, और हम रखेंगे इसको यहाँ। रखने के बाद ये जो पार्ट है हम इसको यहाँ ड्रैग कर देंगे। और इसका करेंगे हम थोड़ा लाइट कर देंगे। ये जो देखिए ये हमारा जो बैकग्राउंड व्हाइट है, इसको हम ब्लैक कर देंगे। कंट्रोल बैकस्पेस कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो हमारा ये जो फोटो है, फोटो को हम थोड़ा हम कर देंगे इसको नाइन, थोड़ा ड्रैग कर देंगे। इसके बाद हम एक फोटो लाएंगे, पहले हम इसको फिल करेंगे। फिल करने के लिए इसका हम काट देंगे, अभी जरूरत नहीं है हमें। ये वाला फोटो एक ले आएंगे, इसको ड्रा करके ऊपर लाएंगे, इसको कट, और इसको रखेंगे हम यहाँ, ये जो हेक्सागन है इसको यहाँ रखेंगे। इसको हम पूरा ऊपर लाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, और हम इसको इस हेक्सागन के, देखिए इसका ऊपर है ये, अभी हम एक बैकस्पेस मार रहे हैं, सॉरी एक ब्रैकेट कर रहे हैं, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट जस्ट ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम इसको ऊपर रखेंगे, और हम इसको अल्टर कंट्रोल जी करेंगे। जी करने से ये हमारा ये हेक्सागन में लग जाएगा, क्लिपिंग मास्क जो बोलते हैं उसको, ये लग जाएगा, और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, बस। देखिए ये वाला फोटो हमारा लग गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीन हमको फिल करना है। अभी ये वाला फोटो हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ ड्रैग और डिलीट। इसके बाद ये जो ऊपर वाला लगाएंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर रखेंगे। देखिए एक नीचे चला गया,
लोग जी करेंगे, ये वाला इसका अंदर चला गया, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये वाला हो गया यहाँ, और इसके बाद इसके लिए एक फोटो, करेंगे यहाँ सॉरी ये वाला हिस्सा में लगाएंगे। सॉरी देखिए हमें अभी हमारा डिजाइन रेडी हो गया है। हम क्या करेंगे, ये जो फोटो रखा हुआ था यहाँ, इसको हम यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे। हमें एक अच्छा फोटो मिल गया है तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसको हम करेंगे हाइट, और यहाँ इसको ये वाला फोटो दे देंगे, इसको करेंगे बड़ा, बारा हमारा अभी रेडी हो गया। इसके बाद हम देंगे इसका बॉर्डर, बॉर्डर दे देने से ये फोटो आपका ये जो डिजाइन है जो है ये अच्छा लगेगा। यहाँ जो है इसके ऊपर हम देंगे, इसके ऊपर हम देंगे ब्लैक बॉर्डर, इसको करेंगे इनसाइड 30, और यहाँ देंगे ब्लैक।
इसको यहाँ हम दे देंगे, यहाँ देंगे आप ड्रॉप सेटो करेंगे, ड्रॉप सेटो। देखिए हमारे यहाँ सेटो लग रहा है, देखिए अभी हमारा डिजाइन लगभग रेडी हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए वाला जो है इसमें हम करेंगे, यहाँ देखिए जो स्ट्रोक दिया हुआ है और इसमें हम स्ट्रोक देंगे। ये वाला जो ब्लोर जो ऑप्शन जो ब्लोर पट है इसको हम करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपका अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर तरह का वीडियो बनाता हूँ। मान लीजिए आपका कंप्यूटर के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, आपका फोटोशॉप का रिगार्डिंग, सब कुछ जो होता है, डिज़ाइन वगैरह जो होता है, मैं हर तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऑल कर दीजिए। देखिए हमारा रेडी हो गया, हम इसको करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। इमेज जाएंगे, इमेज जाने के बाद जाएंगे हम यहाँ ह्यू एंड सेचुरेशन, जाने के बाद यहाँ सेचुरेशन जो है हम इसको काम कर लेंगे। देखिए कंट्रोल एल थोड़ा डीप कर देंगे, देखिए थोड़ा डीप कर देने से अच्छा रहेगा। देखिए ये हो गया, आपका डिजाइन रेडी हो गया है। अगर आपका एक इसको अगर पीएचडी फाइल अगर चाहिए तो अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पीएचडी फाइल भेज दूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में ये पीएचडी फाइल लगाने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। इसका हम सेव करेंगे, जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे, डेस्कटॉप में रखेंगे यहाँ जेपीजी और सेव। और स्ट्रेंथ इसको थोड़ा कम कर देंगे, 6 से हम इसको 3 तक ले आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।